तो गाइस आप सभी का स्वागत है पोकेवर्स एक्स के एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकेमोन के गेम्स के कुछ ऐसे 5 फैक्ट्स के बारे में जो कि आपको शायद से ना पता हो। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो फैक्ट्स रहने वाले हैं बहुत ही औसम रहने वाले हैं। तो अगर आपको ये फैक्ट्स जानना है तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। तो जो पहला फैक्ट आता है वो ये है कि जो पोकेमोन के गेम्स थे गोल्ड एंड सिल्वर, वो पोकेमोन के लास्ट गेम होने वाले थे और ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका था। तो पोकेमोन के जो सीईओ थे उन्होंने ये डिसाइड कर दिया था कि ये जो पोकेमोन के गेम्स रहने वाले गोल्ड एंड सिल्वर वो पोकेमोन के लास्ट गेम होने वाले हैं। और ये सब सुन के जो है वो पोकेमोन के फैंस बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। पर यार जब वो ये जो गेम है वो रिलीज हुआ तो उसके 2-3 दिन बाद ही ये गेम बहुत ही ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो गया। और जो पोकेमोन के सीईओ थे वो चाह कर भी पोकेमोन के गेम्स बनाना जो है वो बंद नहीं कर सकते थे। और यार ये जो गेम थे वो अभी तक के सबसे ज़्यादा बिकने वाले पोकेमोन के गेम्स बन गए थे। तो इस कारण यार ये बिल्कुल चाह कर भी इसको बंद नहीं कर सकते थे। और ये गेम्स इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे कि इनके ऊपर रीमेक करा गया पोकेमोन हार्ट गोल्ड और पोकेमोन सोल सिल्वर के नाम से, जो कि आप शायद खेले भी हो। मैंने भी खेला यार, बहुत ही गजब गेम है। तो अब चलते हैं सेकेंड फैक्ट की तरफ। तो सेकेंड फैक्ट ये है कि जो एस है वो आपको पता ही होगा, वो कैंटो इलाके से जो है वो बिलोंग करता है, कैंटो रीजन से। पर क्या आपको पता है वो जो कैंटो इलाका है वो सही में जापान में एक्सिस करता है। और जो जापान वाला कैंटो इलाका है और जो गेम वाला कैंटो इलाका है, उन दोनों का मैप भी बिल्कुल सेम है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सच बात है। दोनों का जो मैप है वो भी सेम है और दोनों का नाम भी सेम है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो कैंटो इलाका है वो सही वाले जापान के जो कैंटो इलाका है उससे इंस्पायर है। तो अब चलते हैं थर्ड फैक्ट की तरफ। तो जो थर्ड फैक्ट है वो है, अगर आपने पोकेमोन रियोबी या फिर सेपियर वर्जन जो है वो खेला है तो आपको पता ही होगा ये बंदा जो कि आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं, ये जो बंदा है आपको पता ही होगा कि इसके वाइट हेयर हैं। पर क्या आपको पता है वो जो उसका जो वाइट हेयर है वो असली में हेयर नहीं है, वो उसकी टोपी है। बिल्कुल मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, वो उसकी हैट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप जो है डिफरेंस को पता कर भी लेंगे। जो इसका ओरिजिनल कलर है बाल का वो रहता है ब्लैक, पर यार वो जो टोपी पहनते हैं उसका कलर रहता है वाइट, जो कि पूरा बाल के जैसा दिखता है। तो इस कारण हम लोग को जो है वो कन्फ्यूज़न हो जाता है, मेरे को भी बहुत ज़्यादा हुआ था। तो अब चलते हैं फोर्थ फैक्ट की तरफ। तो जो फोर्थ फैक्ट है वो है कि जो अपना पोकेमोन है नाइन टेल, वो बेस्ड है नारुतो के नाइन टेल फॉक्स के ऊपर। और ये बिल्कुल कंफर्म है। और पोकेमोन ने अपने एक इंटरव्यू में भी ये कहा था कि जो हमारा पोकेमोन है नाइन टेल वो नारुतो के नाइन टेल वाले फॉक्स के ऊपर बेस्ड है। और ऐसा कहा जाता है जापान में कि जो नाइन टेल फॉक्स है वो जापान में सही में एक्सिस करता था एक टाइम में, पर अब जो है वो विलुप्त हो गया है। तो ये था एक बहुत ही ऑसम फैक्ट। तो अब चलते हैं लास्ट फैक्ट की तरफ। तो जो फिफ्थ फैक्ट है वो ये है कि जो पोकेमोन का गेम्स थे वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे कि उनके ऊपर एक एनिमी बनाया गया जिसका नाम था पोकेमोन ओरिजिन, और जो कि आप सब ने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो देखना यार, बहुत ही कमाल का एनिमी है। पोकेमोन की ओरिजिनल एनिमी से थोड़ा हट के है पर उसमें आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखना, बहुत ही कमाल का है। और एक और एनिमी बना था जिसका नाम था पोकेमोन जनरेशंस, जो कि वो भी बहुत अच्छा है। मैंने तो नहीं देखा पर बोलते हैं बहुत सारे लोग कि वो अच्छा है। तो ये थे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि पोकेमोन के गेम्स के बारे में थे और शायद से आपको ना पता हो। तो ठीक है गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। और इसका जो पार्ट 2 एंड 3 है वो भी जल्दी आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो में 100 लाइक्स जो हैं वो दे देते हो तो मैं उसको बना दूंगा जल्दी। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।